इस कोरोना काल में जहां सभी को साथ खड़े होकर कोरोना को मात देने का प्रयास करना है, तो वहीं कुछ लोग आपदा को अवसर में बनाने में जुटे हुए हैं। मामला कटिहार का है, जहां स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से मौत के बाद शव का अंतिम संस्कार कराने मोटी रकम मांगते दिख रहे हैं। अब पैसे नहीं देने पर शव को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। मजबूरन परिजन खुद ही शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस प्रकार रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी के शव को उनके परिजन घसीटते हुए दिख रहे हैं। वहीं प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए जा रहे मानवीय कार्य पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। बॉडी डेड किया है यहाँ पर इमरजेंसी में, क्या कोरोना से? कोरोना से पॉजिटिव, और उसे जब उसे यहाँ से ले जाने का बात हुआ तो जिस समय डेट किया पेशेंट को ले जाने के क्रम में जो है कि कोई भी आदमी नहीं आया उसका, उसके बाद मैंने उसके परिजन को तैयार किया, किसी तरह बोल करके उसके परिजन को तैयार किया। परिजन को तैयार करने के बाद डीएस, मेरी जो हमारे डीएस हैं वो हमें बोलते हैं कि तुम अगर नहीं जाओगे तो तुझे मैं गोली मरवा दूंगा या तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूंगा, इस तरह का स्टेटमेंट दिए हैं वो आपको। हाँ, हमको।